हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और बताइए आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे रहे जहाँ रहे, स्वस्थ मस्त बढ़िया रहिए। हम भी अच्छे ही हैं और ना ही अच्छे हैं। क्या बताया जाए, बहुत सारी परेशानियाँ दिक्कत इस समय हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्या ही बताया जाए, जितना ही कह रहे उतना ही कम है परेशानी। घर परिवार क्या बोलते हैं, आहार बाहर पूरा इधर जा रहे हैं हम लोग, उधर दुश्मन मिल जा रहे हैं हम लोगों को। तो चलिए कोई बात नहीं, दुश्मनी तो हर एक इंसान से रहती है। और आज ब्लॉग मेरा बहुत दिनों बाद आ रहा है, तो आप लोग थंबनेल देख तो जान गए होंगे कि किस मैटर पे आ रहा है मेरा ब्लॉग। और आप लोग से सबसे पहले ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग ऐसा कमेंट मत कीजिए कि जिससे दिल को तकलीफ़ पहुँचे, हम लोगों को तकलीफ़ पहुँचे। और आप लोगों का हमारे भैया बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं आप लोग के कमेंट के वजह से। तो आप लोग हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं, आप लोग बस कमेंट कर दे रहे हैं, गलत गलत कमेंट कर रहे हैं आप लोग। ये नहीं ना हम लोग कुछ भी कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, हम लोग रिश्ता ख़राब हो रहा है या बन रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, इज्जत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप लोग को हर मिनट का वीडियो तो नहीं दे सकते हम लोग ना। अब आप लोग को कहने का मतलब ये है कि हम लोग एक दूसरे का इज्जत करें तो आप लोगों को वीडियो दिखाएँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों को इज्जत बहुत करते हैं हमारे बड़े भैया, और जितना ही कहें उतना ही कम है। जितना हम लोगों को इज्जत किए हैं, जितना माने हैं, जाने आज यहाँ तक पहुँचे हैं, तो बस उन लोगों की वजह से पहुँचे हैं यहाँ तक। देखिए किसी का एहसान नहीं भूला जाता है यहाँ तक। हम तो शुरू से ही कहते आ गए, हमको कोई पहचानता नहीं था यहाँ तक, और हमारा पेमेंट भी रुक गया था भैया भाभी की वजह से, मेरा पेमेंट आने लगा। और हर एक चीज़ में मुझे सब लोग जानते हैं, और इन्हीं लोगों के सपोर्ट की वजह से है। कौशल भैया और कन्हैया भैया ये दोनों बड़े भाई हैं हमारे, और बहुत ज़्यादा परेशान है हमारे कन्हैया भैया आप लोग के कमेंट के वजह से। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट मत कीजिए, ऐसा किसी का रिश्ता मत खराब कीजिए कमेंट कर करके। पूरा असली मतलब पूरा सच्चाई आप लोग जान लीजिए तब कमेंट कीजिए ना किसी के बारे में। क्या सच्चाई है क्या गलत है, कौन सा है कौन गलत है, वैसे तो आप लोग इंसान है, इंसान आप इंसान को परख लेंगे ना, डाल देगा तो सब लोग यकीन कर लेंगे। देखिए जो हम अभी हैं ना, तो अभी हम रो देंगे तो आप लोगों को दिखेगा हाँ हम रो रहे हैं, हम कितने तकलीफ़ में हैं। और जो अगला अंदर अंदर अपना उदम घूट रहा है, जो सारी तकलीफें अंदर लेके महसूस कर रहा है, वो तो कोई दिखा नहीं सकता ना, क्योंकि अपने मन में रखा है, अपने पास रखा है। और जो रो देता है, जो दिखा देता है दुनिया को, उसको सब सही लगता है। जो अपने मन में रखा रहता है इंसान, वो सब गलत लगता है। तो ऐसी कोई बात नहीं, 2 महीना से हम भी नहीं गए, क्योंकि इस टाइम मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, भैया के घर पे नहीं जा पाए। तो इसका क्या मतलब भैया हमको छोड़ दिए हैं, कि इसका मतलब भैया से रिश्ता मेरा ख़राब हो गया, चाहे बोल ठोल हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग इज्जत बहुत इज्जत करते हैं, अपनी बहन से बढ़ के मुझे मानते हैं, और हमारे भी बड़े भैया हैं। सब लोग कमेंट कर रहे हैं सलोनी का इज्जत नहीं लगा, सलोनी का इज्जत नहीं मिला, सलोनी को जितना इज्जत मिलता था किसी को नहीं इज्जत मिला, क्योंकि एक बहन का इज्जत जानते हैं कितना मिलता है। अपने ननद से ज़्यादा मुझे भाभी मानती थी, जो हम कहते थे हमको ये खाना है वो लेते आती थी, जो नहीं मांगते थे दोस्तों ना वो भी हमको ला के देते थे लोग। और बहुत सारी कमियाँ मेरी पूरी की हैं। और रही बात भैया बोले थे मम्मी पापा जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता, तो वो सब दुनियादारी है दोस्तों। वो देखिए अगर कोई भी कितना भी प्यार करेगा तो ये तो बात सही है कि मम्मी पापा जैसा कोई प्यार नहीं कर पाता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी किए हैं लोग बहुत ही किए हैं हमारे लिए, करते हैं लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। और कितने लोग कह रहे हैं कि सलोनी आ नहीं जा रही है, नहीं फ़ोन फान करी। अच्छा है बताइए, हम फ़ोन करें कॉल करें बात करें तो आप लोगों को वीडियो दिखाएं हैं। हमारा तबीयत नहीं ठीक था, और इस टाइम हमारे घर पे जैसे कोई पहाड़ टूट के गिर चुका है, बस हम वीडियो नहीं बना रहे हैं क्योंकि हम दिखाना नहीं चाहते हैं हर एक चीज़ पर यूट्यूब पर, और हम नहीं दिखाना चाहते हैं कि कोई भी तकलीफ हो कोई भी। हम सोचते कि अपने में मिलजुल के उसको सॉल्व कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे, लेकिन हम लोग वीडियो नहीं बनाते हैं क्योंकि इस टाइम हमारे घर पे बहुत सारी परेशानियां हैं दोस्तों। क्या बोला जाए, इस टाइम बता ही दे रहे हैं आप लोगों को, बगल में हैं लोग, उसके परिवार से झगड़ा हो गया था, उसमें हम लोग परेशान थे, पुलिस थाना इधर से उधर कचहरी वचहरी बहुत ज़्यादा परेशान थे। और घर पे भी है थोड़ा बहुत मैटर, उसमें भी हम लोग परेशान हैं, और यहाँ पर भी। और उस वीडियो में आप लोग को पता ही है, थोड़ा सा बताए थे पिछले ब्लॉग में कि हमारे घर पर चोरी हो गई थी, इसमें बहुत सारी टेंशन है, बहुत ज़्यादा टेंशन। क्या ही बता दें, जिसके घर पे चोरी हो जाएगा, जिसके घर ये लफड़ा हो जाएगा। चोरी का वीडियो नहीं डाले हम लोग, चोरी का वीडियो नहीं डाले, हमारे घर मार हुआ वो भी वीडियो नहीं डाले, पापा का सर फट गया है वो भी। आप लोग को यकीन नहीं होगा तो उसको हम दिखा देंगे शॉर्ट वीडियो में, आप लोग देख लीजिएगा। और सर फटने की वजह से पापा को पूरा बाल उतरवाना पड़ा क्योंकि पक जाता है, इसीलिए हम लोग वीडियो नहीं डालते हैं। क्या फ़ायदा जब सब कुछ अपने ही हैंडल करना है, इसे वीडियो से क्या फ़ायदा मिलता है, इसे अच्छा अपने ही सब समझ लो बुझ लो। मम्मी का भी तबीयत ख़राब,
मेरा भी तबीयत ख़राब, हमारी पूरी फैमिली का तबीयत खराब। उसमें कितने लोगों को चोट लगा था, हमारे घर पे मार हुआ था तो हमको भी लगा, मेरे दोनों बहनों को लगा, बस मेरे दो भाई बचे थे, बाकी मम्मी भी पूरा पैर में सर में हाथ पे कट कट गया था। जानते ही हैं मार झगड़ा होता है तो बहुत ज़्यादा काफ़ी लोग को चोट लगता है। और इधर रहा जाने और आने की बात, वहाँ भैया के घर तो मम्मी का तबीयत ख़राब, वहाँ पर से आए हैं तो मेरा भी तबीयत ख़राब है, और तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मेरे पेट में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि कहिए मत। ऐसे ठीक रह रहा है, जब वीडियो वीडियो बनाने कर रहा है तो मुझे कुछ ऐसे मन नहीं कर रहा है, जैसे कोई कह रहा है छोड़ दो, नहीं सिर्फ खाना ना पीना कुछ नहीं अच्छा लग रहा है। और कल परसों मम्मी को बोतल चढ़ा है, 3-4 बोतल चढ़ा है, तो मम्मी मेरी ठीक है। और पापा को भी रोज़ ले जाना पड़ रहा है पट्टी उट्टी बदलवाने, इसी में हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्या ही बताया जाए आप लोग। तो इसीलिए बस बोल रहे हैं कि किसी को किसी को छोड़ा नहीं है, और आप लोग कमेंट कर रहे हैं तो आप लोग के कमेंट की वजह से कितने लोगों का रिश्ता ख़राब हो जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि किसी के बारे में और किसी की फैमिली मैटर में आप लोग कमेंट मत कीजिए, जो भी है हम लोग समझ लेंगे, है जो जो हम लोग किए होंगे और फ़ोन पर बात कर लेते हैं वो सबसे अच्छा रहता है, वीडियो ना बनाओ वो अच्छा रहता है, फ़ोन पर बात कर लो वो सब समझ आ जाता है, लेकिन क्या किया जाएगा किसी को नहीं समझ में आ रहा है। तो बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि हमारे बारे में कुछ भी कोई गलत ना बोले, क्योंकि भाई हम कुछ नहीं किए हैं और किसी से रिश्ता हम ख़राब नहीं करना चाहते हैं। अगर बड़े हैं लोग हमको दो झापड़ मार लेंगे, हमको सहन, हमारी गलती है तो मारेंगे, और जहाँ गलती नहीं रहेगी वहाँ हम बर्दाश्त नहीं करते हैं, किसी का भी नहीं करते हैं, हम यहाँ तक अपनी फैमिली का नहीं सुनते हैं। तो और लोग की तो बात दूर की है। तो रही बात भैया के खाना आने जाने की, तो मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा तो हम जाएँगे वहाँ पर। और प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सब ऐसा कमेंट मत कीजिए, ठीक है। मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा पूरा आराम से, इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम हट जाएंगे, सही सॉल्व हो जाएगा, तो मैं जाऊंगी वहीं पर रहूंगी। और तो चलिए बहुत कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन क्या किया जाएगा, लोग कहवाते हैं तो भाई बस बचा कि कहवाने से बस गया, बस कहवाइए मत और कुछ आगे, आप लोग का नाम नहीं लेंगे कुछ, बस भैया के मैटर पर बोले हैं तो हमको किसी के फ़ायदा में उसको किसी के ऊपर हम वीडियो नहीं जल्दी बनाते हैं। कितने लोग बोलते हैं बनाओ वीडियो, भागेगा वीडियो, व्यूज़ आएगा, हमारा चैनल ग्रो होगा, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता हमको किसी की फैमिली मैटर में, चाहे कुछ भी हम पढ़ते नहीं हैं जल्दी। तो चलिए यहीं तक था ब्लॉग मेरा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।